डाल दिया दो चम्मच, ठीक है। ये अब मैं थोड़ा सा कूट दी हुई मसाले में, ये कोफ्ते ये मैंने डाल दिए और ना हल्की आँच पे ना, देखिए माशाल्लाह तैयार हो गए। मेरी सास कहती थी कि ढक्कन लगा दो हांडी के ऊपर तो फिर खुशबू हो जाती है गर्म मसाले की। अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि नाज़नीन सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नए आए, जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें ताकि आपको जौन सी है नित नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी रेसिपी है हमारी बहुत ही मज़ेदार है और हमसे इवन ये जब हम लोगों ने एलवी की थी तो हमसे रिक्वेस्ट भी की थी कि हमें कोफ्ते बनाना सिखाएं, तो इसीलिए आज की जो सी रेसिपी है ये हमारे उन्हीं मतलब व्यूवर के लिए जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे कोफ्तों की रेसिपी सिखाएँ। तो व्यूवर्स, आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं कोफ्ते और कोफ्तों की रेसिपी किस तरह तैयार होगी, स्पेशली जो कोफ्ते हैं वो किस तरह बनेंगे और लोगों को जो सी एक अमूमन शिकायत होती है कि हम कोफ्ते जो से बनाते हैं वो टूट जाते हैं। टूटने वाला जो सा मसला है वो काफ़ी लोगों के दरपेश होता है, लेकिन इंशाल्लाह आज के बाद कुकिंग विद नाज़नी में आप लोग ऐसी तरकीब सीख लेंगे जिससे जो से आपके कोफ्ते हैं वो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो अब बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं मम्मा की तरफ और जानते हैं मम्मा से कि जो से कोफ्तों की रेसिपी है और स्पेशली बिना टूटे कोफ्ते वो कैसे बनेंगे। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी बहन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये मैंने 3-4 हरी मिर्चें ले ली हैं, एक गट्ठा लहसुन का ले लिया है, ये अदरक ले लिया है, एक छोटा सा प्याज ले लिया है। ये मैंने काट के ना ये बीच में डाल देना, ये कूट दूँगी, ये कूट के ना ये मैं मसाला भी खा देती हूँ आपको। ये मिर्च, ये नमक है एक चम्मच मिर्च का, आधा चम्मच जीरे का है, तो मैंने ना एक भर के चम्मच बड़े वाला सूखे धनिए का भी डाला है। अच्छा, ये हम चीज़ें मतलब जो से सब कुछ हम लोग अच्छी से इसको मतलब क्या कूटने के बाद कीमे में शामिल करेंगे? नहीं भी, ये मसाला करूँगी ना, ये नमक मिर्च शामिल इसमें, फिर ये 2 चम्मच ना बेसन के भी करूँगी। अच्छा नहीं, तो मतलब ये जो मिर्चें भी आप कूट रहे हैं ये भी आप कीमे में शामिल ही करेंगे ना? हाँ जी, कूट के। मतलब कोफ्ते हम जो बनाने जा रहे हैं पहले हम कोफ्ते बनाएंगे ना, उसके बाद ग्रेवी बनाएंगे। ये कीमे में शामिल करना है, कीमे में शामिल करने हैं। वो प्याज मैं लहदा बनाऊंगी ना मसाले के लिए। तो ग्रेवी जो है हम वो सेपरेट से तैयार करेंगे, लेकिन फर्स्टली हम लोग जो है वो यहाँ पर कोफ्ते तैयार कर रहे हैं। और कोफ्ते तैयार करने के लिए मम्मा ने सारी चीज़ें आपको बता दी है, ये जो से इंग्रेडिएंट है यूज होंगे और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी क्योंकि ये मिर्चों की, ये प्याजों की, सूखा धनिया भी है इसमें, धनिया भी है, तो आपको सूखे धनिया कितना अच्छा अरोमा होता है और वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तो ये तो हो गए इंग्रेडिएंट्स, अब इसको अच्छे से हम लोग कूट लेते हैं अच्छे और उसको हम लोग शामिल कर लेते हैं कीमे के अंदर और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने कोफ्ते कैसे बनाने हैं और स्पेशली जो उसकी ग्रेवी वो कैसे तैयार। हाँ जी, वो ना मैंने इसमें ना 2 चम्मच ना बेसन के भी डालने हैं, बेसन के भी डाल, तो वो भी आपको दिखाएंगे कि हम लोगों ने कब डालने हैं और उसके बाद हम लोगों ने फर्दर जो सी रेसिपी है उसको हम लोगों ने कैसे तैयार करनी है। हाँ जी, आप लोगों को पता है कि आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है कोफ्ते और हम लोगों ने यहाँ पर जो सी प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं। अब हम लोग उन प्याज़ों को लाइट सा कलर देंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि मज़ेदार से जो सी कोफ्तों की रेसिपी है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे तैयार हो। आप लोग देख सकते हैं कि लाइट सा हम लोगों ने कलर किया है प्याज़ों का और अब मम्मा ने इसके अंदर 1 कप पानी का शामिल कर दिया है। तो मम्मा, इसको पकने के लिए रख रहे हैं हम लोग? हाँ जी, प्याज भर गए हैं, फिर दही डाल के कोफ्ते डाल के भून लेंगे। ठीक है, तो व्यूवर्स हम लोग इसको पकने के लिए रख रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो है वो दही डालेंगे और कोफ्ते डालेंगे और जो उनकी हमारी फर्दर रेसिपी है उसको हम लोग यहाँ पर तैयार करना शुरू कर देंगे। तो लेकिन अभी हम लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। ये मैंने सारे मसाले डाल दिए, ठीक है। अच्छा जी, अब ना मैंने ना बेसन भी डाल दिया 2 चम्मच, ठीक है। ये अब मैं थोड़ा सा कूट दी हुई मसाले में, अगर बेसन ना हो तो चने भी डाल सकते हैं आप, रस भी डाल सकते हैं, अंडा भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये सारा मिक्स हो गया, अब मैंने इसमें ना कीमा डाल के कूट दिया। मैंने सारा इसे ना कूटी
ली थी मैं ना मशीन का, तो ये सारा कुकर में सारा मिक्स हो जाएगा इसमें। और मैं सारा ना मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये ना मैं ना देखे कूट लिया अच्छी तरह से मैंने, कूट के ना मैंने ना अब ये धनिया ना बारीक बारीक काट के ना फिर मैं डालती हूँ इसमें, फिर मैं आपको ना दिखाती हूँ कि बोल बनाने। आप इस तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह वो मज़े के बनेंगे कोफ्ते, सब आपके घर वाले तारीफ आपकी करेंगे इंशाल्लाह। किसी बहन भाई ने कहा था कि हमें कोफ्ते बनाएं, कोफ्ते तो हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा बनाए, मैंने ना आपको उसी रेसिपी की तरह दिखाए हैं आपको कोफ्ते, ये भी आसानी से बन जाते हैं। ये देखें अब धनिया हम लोग ना मिक्स कर देते हैं इसमें, अच्छा लगता है धनिया कोफ्तों में। ये देखें अब मैं ना इसके ना बोल बना लूँगी छोटे छोटे, वो अपनी मर्ज़ी से भी आप बना सकते हैं ना बोल, कितना मतलब साइज रखना है आपने कोफ्ते का। हाँ जी, ये ना मैं ना आप सारा ये कीमा ना मिक्स कर रही हूँ इसमें, मिक्स करके ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ मिक्स। ये देखें ये मैंने कीमा ले लिया, आप अपने साइज से बना लें। ये देखें माशाल्लाह ऐसे ना मतलब दबा के बनाना है आपने ऐसे, ये देखें ठीक है। अब फिर मैं आपको बता देती हूँ ऐसे लेके ना ऐसे दबाना है कीमे को, क्योंकि खुले ना ये, मैं दो तीन आपको बना के दिखा देती हूँ ना, फिर आपने ऐसे प्यार से ना ऐसे गोल गोल सा करना है, क्योंकि अगर इसमें लकीरें होंगी ना तो वो लकीरें अच्छी भी नहीं लगती, फटाफटा सा की वो बन जाएगा बोल। तो ये देखिए माशाल्लाह बन गया ना, ऐसे मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ सारे बना के। ये कोफ्ते अब ये ना मसाला जो मैंने किया हुआ प्याज, प्याजों में ना ये ना डाल के ना मतलब पकाएंगे फिर भून लेंगे, अगर आप चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं, अंडे भी उबाल के डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है जैसे भी आप पकाना चाहें। ये मैंने डाल दिया और ना हल्की आँच पे ना रख देती हूँ ये पकने के लिए। हाँ ये देखे पकने लगे, अभी हमने ना डोई नहीं फेरनी इसमें क्योंकि ये टूट ना जाए। ये ना पानी भी खुश्क हो जाएगा फिर भून के दही डाल के ना फिर मसाले तो बहुत अच्छी आई है। अब जैसे मम्मा ढक्कन को खोला सिर्फ अभी हम लोगों ने कोफ्ते ही डाले, कोई मसाला नहीं डाला, की कोफ्तों की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो इंशाल्लाह जो सी हमारी ये रेसिपी है कोफ्तों की वो बहुत ही मजेदार तैयार होने वाली है और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, तो इंशाल्लाह बनेगी बहुत अच्छी। हाँ जी, इनका ना पानी सूखने का इंतजार करना हमने, ठीक है। तो फिर पानी इसका रिड्यूस करते हैं और आपको दोबारा दिखा। ये दही मैंने फेंट ली है, आधी कटोरी मैंने डाली है दही की। मिक्स कर देती हूँ, ये पानी सूख जाए फिर इसके बाद मसाले डाल के ना फिर आपको दिखाते हैं भून के अच्छी तरह। कोफ्ते देखे नरम से भी हैं, सख्त नहीं है, कई लोगों के ना सख्त होते हैं कोफ्ते, ये सख्त बिल्कुल ही बनेंगे। और इनकी बाइंडिंग के लिए आपको बता दिया मम्मा ने क्या चीज़ शामिल करनी है, मतलब वो लोग जिनको समटाइम ये मतलब डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है कि जो कोफ्ते हैं वो टूट जाते हैं खुल जाते हैं, तो वो भी जो सी है टिप मम्मा ने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है। तो व्यूअर्स आप लोगों ने अगर वीडियो को पूरा देखा तो आप लोगों को पता होगा कौन सी टिप हमने यूज़ की है जिसकी वजह से ये जो कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे। हाँ जी, ये पानी सूख जाए फिर मैं भून के ना मसाले डाल के भून लेते हैं तो हमारी फिर रेसिपी फाइनल हो जाएगी। हाँ जी ठीक है। अगर आप अंडे डालना चाहते हैं उबाल के अंडे डाल लें, आलू भी डाल सकते हैं, मैंने आलू वाले भी बनाए हुए हैं कोफ्ते, अंडे वाले भी बनाए हुए हैं, ये अब मैं सादे बना रही हूँ। चलें ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ सिंपल जो से कोफ्तों की रेसिपी है वो बना रहे हैं और अभी वेट करते हैं आपको दोबारा दिखाते हैं। तो बबल्स इसके अंदर बन रहे हैं ऑलमोस्ट, ये जो सा हमारा पानी हम उसको रिड्यूस करने के बाद इस रेसिपी को फाइनल कर लेंगे। एक चम्मच मिर्च का डाला मैंने, आधा चम्मच नमक का, पौना चम्मच हल्दी का, आधा चम्मच जीरे का, बस यही हमने मसाले डालने हैं कि बाद में बन जाएगा ना जब सालन अच्छी तरह, कि धनिया हरी मिर्च भी डाल देते हैं, थोड़ा सा गर्म मसाला डाल देंगे, घी भी आ गया, अच्छी तरह भुने गए हैं ये कोफ्ते, आप बनाएं इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए मसाले वाले मैं बना रही हूँ, घी भी आ गया। अब ना मैं
10 मिनट के लिए रख देते हैं। देखिए माशाल्लाह तैयार हो गए। तो हम लोगों ने अब इसको धनिया हरी मिर्च के साथ गार्निश करना है। हरी मिर्च जो से मम्मा ने डाल दी है, अब धनिया इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं। अब मैं ना इसमें ना गरम मसाला भी डालती हूँ। तो लास्ट पे जैसा कि मम्मा ने आपसे कहा था कि वो गरम मसाला ऐड करेंगे, और अब क्योंकि ये रेसिपी फाइनल हो चुकी है तो इसीलिए इसके अंदर जो है वो हम लोग गरम मसाला शामिल कर रहे हैं, और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और रिशोर्ट करके आपको दिखाते हैं। गरम मसाला मिक्स करके ना मेरी सास कहती थी कि ढकना लगा दो हांडी के ऊपर तो फिर खुशबू हो जाती है गरम मसाले की। माशाल्लाह कलर बहुत प्यारा आ गया। अब मैं ढकना दे देती हूं, देखो मेरी सास ने कहा था ढकना दे देते हैं। जी तो व्यूवर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी आज की रेसिपी है कोफ्ते वो बिल्कुल फाइनल हो गई है, और इसको हमने डिश आउट कर लिया है, और मज़ेदार से जो से लजीज कोफ्ते हैं वो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है, और जो सा ये घी है ये भी साइडों पे आ गया है, और ये देखिए मज़ेदार से जो से ग्रेवी वाले कोफ्ते हैं हमारी रेसिपी फाइनल हो गई है। तो व्यूवर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी है पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपने फीडबैक ज़रूर दें, और इसके साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल विद नाज़नी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की जो सी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो व्यूवर्स लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।